व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो आज मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि आज हमारा प्लान था श्रीनगर टू गुलमर्ग जाने का, पर कल रात से जो भाई बारिश हो रही है ना, रुकी नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ गाइस। पे अपनी बालकनी है तो उसको खोलते हैं एक बार गेट को, और यहाँ पे चेयर वगैरह, यहाँ पे आराम से चिल मारो भाई। और मौसम देखो भाई, ये खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, बारिश ही बारिश हो रही है भाई, रुकी नहीं रही बिल्कुल। ये अपने होटल से लिए और सामने आप देखो कि डल लेके भाई है ना, सारे सामने इधर ये पेड़ के पीछे बोट हाउस वगैरह है, और बारिश हो रही है भाई, क्या करें कहाँ जाए। बारिश रुक जाए तो यहाँ से जाया जाएगा, या फिर फ़ोन करके पूछते हैं किसी से कि भाई अलाउ है जाना या नहीं है, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है ना वहाँ पे, तो जो भी रोपवे वगैरह है या जो भी स्नो एक्टिविटीज़ है वो बंद कर देते हैं। तो अभी नीचे जाते हैं, एक बार पूछ के आते हैं भाई। और भाई ये अपने होटल की बालकनी है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, और ये इधर भी होटल है, आप देख सकते हो ये बराबर में होटल है, ऊपर पहाड़ी है। तो अभी नीचे का एरिया दिखा दूँ आपको थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो भाई ये सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर वगैरह आते हैं तो इतना अच्छा बना रखा ना ये गवर्नमेंट होटल भाई। पूछ लिए आ गया भैया, ग्राउंड फ्लोर। ये यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, ये वाला भी सिटिंग एरिया है, और इधर से भी ये भी सिटिंग एरिया है भाई। और ये एंट्रेंस है, और ये है रेस्टोरेंट। एक बार रेस्टोरेंट दिखाता हूँ आपको भी। अपना रिसेप्शन इधर है। बारिश बंद हो गई है भैया अब तो, है ना। सो गाइस, अभी गुड न्यूज़ ये है कि जो बारिश है वो बंद हो चुकी है, तो अब हम जा सकते हैं गुलमर्ग। तो होटल से भाई निकल चुके हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा नहीं भरपेट करेंगे भाई, फिर पता नहीं वहाँ जाके खाना मिले या ना मिले। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाएंगे वे टू गुलमर्ग। तो गाइस आपको दिखाता हूँ बीच रास्ते में क्या क्या साइट सीन होते हैं गुलमर्ग जाते हुए, और गुलमर्ग में क्या क्या है वो सब आपको दिखाऊंगा मैं टाइम टू टाइम, है ना। सो गाइस फाइनली जो है गुलमर्ग पहुँच चुके हैं, और श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता है 60 किलोमीटर, तो इसमें 1.5 घंटा लग जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई गंडोला राइड, जो फेमस है गुलमर्ग की। और जो वेदर है ना भाई, एक नंबर हो रहा है वेदर भाई, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लेट्स गो, व्यू देखो व्यू, अभी व्यू दिखाऊंगा भाई। फैन हो रहा होगे तुम, फैन जिसे कहते हैं। बर्फ तो नहीं हो रही है, पर सुबह से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो मौसम है ठंडा हो गया है, और ऊपर जो ग्लेशियर है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत बर्फ है। मज़ा आ रहा है, मज़ा, ठंड हो रही है। तो गाइज ये है सामने से व्यू, और ऊपर देखो भाई, एक बार ऊपर जूम करके दिखाता हूँ। ये सारी बर्फ है, बर्फ है इधर, पहाड़ है यहाँ पे, और इधर अपने को जाना है जो गंडोला रेड ग्रीन वाला, और आपको यहाँ पे वो देखो सीनरी, एक नंबर व्यू है भाई, एक नंबर। तो अपने ऊपर को जाना है, तो अभी ऊपर जाते हैं गाइज, और राइड में बैठते हैं जल्दी से, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो गाइज अभी अपनी जो टिकट है वो ले ली है, और एक बार यहाँ पे वेरीफाई करवाना है, और फिर यहाँ से अपने को ऊपर जाना है, तो जल्दी से वेरीफाई करा लेते हैं पहले। तो भाई अभी वेरीफाई हो गई है अपनी टिकट, और इधर से अपनी एंट्री गेट है, तो यहाँ से एंट्री करते हैं, फिर राइड में बैठते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। देखो इधर से ऊपर जा रहे हैं भाई, ऊपर। भाई पीछे देखो भाई, पीछे 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 तो देखो पीछे। ओहो हो, आई थिंक ये 1 या 1.5 किलोमीटर की राइड होती है भाई नीचे से ऊपर जाने का। और ये है फेस 1, और इसके बाद ऊपर से आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा फेस 2 का।
और जो भी प्राइस फेयर है वो मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, है ना भाई? तो अभी तो हम राइड इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय करो भाई, जो भी सीन है ना। आई होप ऊपर थोड़ी सी बर्फ मिल जाए, अब धूप निकल गई है, वैसे अभी तो धूप नहीं थी, पर मौसम चेंज होता रहता है भाई, डायनेमिक मौसम है ना इधर का, तो इसलिए चेंज होता रहता है। तो भाई यहाँ पे हो गया अगला सीन, जो अपनी रोप वे है वो अटक चुकी है, क्योंकि लाइट भाग जाती है तो ये अटक जाती है। चलो चल गई चल गई चल गई भाई, लाइट आ गई। नीचे 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 घोड़े दौड़े, यहाँ दौड़ रहे हैं घोड़े, लग जाएंगे एल, लेट्स गो। अभी जो है फर्स्ट फेस है जो ख़त्म हो चुका है, इधर पीछे देखो आप, यहाँ पे जो फर्स्ट फेस है वो ख़त्म हो जाता है और इधर लाइन लगानी पड़ती है सेकंड फेस के लिए। तो अभी लाइन में लगेंगे भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं अभी 5-10 मिनट, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा है यहाँ पे भी व्यू। और ठीक है भाई, मौसम साला बर्फ़ पड़ रहा होता फिर ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, अब जैसा मौसम है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आपको भी व्यू दिखाता हूँ सामने से कैसा लगता है भाई फर्स्ट फेज पे आके, फिर सेकंड फेज का भी आपको व्यू दिखाऊंगा गाइस। तो भाई अभी ऊपर पहुंच चुके हैं और इधर बर्फ बर्फ बर्फ, तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे जाएंगे ऊपर, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ, इधर पहाड़ ऐसे लोग लगा रहे हैं और ऊपर जाना है उनको उधर। तो गाइस अभी आ चुके हैं ऊपर और यहाँ पे हम करेंगे इसकी, तो भाई अभी दिखाता हूँ, तो ये इसकी कराएंगे। भैया कौन कराएगा? ये हमारा बर्फ है, ये फोटो आपको खींचेगा, ये कराएगा इसकी। देखो सर इसको पैर थोड़ा आगे रखना, कहाँ पे रखना है मेरे को? ऊपर सीट के ऊपर सर। हाँ यहाँ पे ठीक है, रखो सर ठीक है, रखो रखो ये भैया पकड़। भैया नाम बताओ एक बार अपना। इमरान। इमरान जी ठीक है, यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है ना जी? चलेगा? अभी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सर? वो बाद में बताऊंगा आगे, हम तो जाएंगे क्या शाम को घर में। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताऊंगा भैया, है ना। हाँ चलो पकड़ लो आप मुझे। आप मुझे पकड़ो इधर नीचे से, यहाँ से ये इधर दे दो, वीडियो इधर दे दो, वीडियो मैं करूंगा भैया। आप खुद करेगा? हाँ करो फिर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो विद इमरान भाई। होले होले चलना भैया, होले होले हो जाएगा प्यार। अरे 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 आप तो सिंगर भी हो भैया। आप कहाँ से सर? भैया हम हैं उत्तर प्रदेश से। फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। ओके एंड मैनी मोर इन उत्तराखंड एंड हिमाचल। या या यू नो इंग्लिश? या स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक इन इंग्लिश। मजाक कर रहा हूँ भैया, हिंदी चलेगा भैया, मातृभाषा है अपनी। मातृभाषा नहीं भूलना चाहिए इंसान। हिमसा गिर देना था भी ऐसी कुन्नी मिन्नी वापस हो जा अभी ड्रा ना बखता है और सिखास मेन सवार से यहां से ऊपर जाना भी ऐसी सिख रहे की करा यार। हां यहां से ऊपर जा, ले लो भाई स्टिक्स स्टिक एक आपकी, इधर दिखाओ नीचे YouTube में। YouTube में नीचे अभी कोरा है कोरा भैया, क्या दिखाएं ये जो उपर... जगह है सर जी। हाँ बताओ थोड़ा सा बताओ हमें। इस जगह का नाम है कश्मीर वैली, 14,500 फीट सी लेवल। ओके एवरेस्ट का हाफ है ये। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट केबल कार गंडोला सिस्टम ये है। ओके यहाँ ओके। पे यहाँ से हमें ये जो सीढ़ी दिख रही है तो यहाँ से ट्रैक करके हमें ऊपर जाना है। और अगर भैया कोई यहाँ पे विजिट कर रहा है कश्मीर में
तो उसको क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए थोड़ा सा चलो यार, चलो आज चलते चलते बताते रहो जी, 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 है ना, ताकि जो जिन लोगों को नहीं पता उनको पता रहेगा। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको ऊपर का, ये देखो भाई ऊपर तक जा सकते हैं अपन, पर मैं जाऊंगा नहीं, ऊपर भी ऐसे ही है नीचे भी ऐसे ही है, और नीचे से ये पूरा वैली है। मस्त है भाई, मस्त है व्यू। थोड़ा सा भाई आराम कर लेता हूँ भैंस की आँख। एक तो जितना आप ऊपर हाइट पे आते जाओगे तो उतना थोड़ा बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता रहेगा, पर एक बार टॉप पे आ जाओ तो भाई वर्थ इट होता है तुम्हारा। स्की करो और यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो वोटो जो भी वीडियो करना है आपको बैठो, थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करो भाई। जो ट्रैवल होता है ना, ट्रैवलिंग जो होती है पूरा भाई वसूल हो जाता है जिसे कहते हैं हिंदी में। तो पीछे देख सकते हो आप, बस यही सीन है भाई यहाँ का, है ना। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर वहाँ पे एक लेक है फ्रोजन लेक के नाम से, पर ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी नीचे जाने का टाइम हो गया है, फिर वापस से जाना है भाई, है ना। लेट्स गो। इसको क्या बोलते हैं भैया? स्लेज 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 रोलर कोस्टर राइड हो रही है भैया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, साइड 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 वो मार रही हो इसकी आँख। स्लेज स्लेज गोन रोंग भैया भैया, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, रुकेगा नहीं, पीछे हो जाओ आप, हाँ हो जाओ, बस बस रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं नहीं, माँ की जय। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, गिरना ना मत, बस भैया गिरेगा नहीं, मत फक। ये बिना ब्रेक की गाड़ी है ना? बिना बिना ब्रेक का गाड़ी है इसकी माँ का। ओ भाई 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 भाई, मजा आया फुल फुल एकदम, थैंक यू भैया।